हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो के वर्ज़न अपडेट के बारे में, जो कि आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा था कि आज हम बताएंगे ओप्पो के ओरियो अपडेट के बारे में। और ये स्पेशल वीडियो है ओप्पो A37 के यूज़र्स के लिए, जो कि आप लोगों के फ़ोन में अगर वर्ज़न की बात करें गाइस, तो आप हमारे फ़ोन में वर्ज़न जो चल रहा है वो कलर ओएस वर्ज़न 3.0 का है, और एंड्रॉयड वर्ज़न आप लोगों के फ़ोन में जो है 5.1 का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि लॉलीपॉप में रन करता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो है वर्ज़न को इनक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप लोगों के फ़ोन में अभी तक ऐसा कोई अपडेट तो आया नहीं है आज तक कि जिससे हम एंड्रॉयड वर्ज़न यहाँ पे चेंज कर पाए। बट मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम ट्रिक के जरिए आप लोग यहाँ पे जो है वर्ज़न को अपडेट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है गाइस। एंड आप लोग ओरियो में अपने फ़ोन को यहाँ पे रन करा सकते हैं, अपने ओप्पो के A37 किसी भी मॉडल के डिवाइस में, सॉरी ओप्पो ही A37 को। तो गाइस, किस टाइप की ट्रिक करना है सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, अभी हमारा फ़ोन डिफ़ॉल्ट में है और अभी वर्ज़न भी मैं आप लोग को और एक बार दिखाना चाहूँगा। तो अभी हमारा फ़ोन का एयरपॉड फ़ोन हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को वही सेम डिटेल आप लोग के फ़ोन में जो भी रहता है वो देखने को मिल जाता होगा। तो गाइस, आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मतलब कि एक तरीके से ये APK है जो कि आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग के फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस APK को डाउनलोड कर लीजिएगा, कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगा गाइस। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे ओपन करना है गाइस, ओरियो UI इसका नाम है, यहाँ से इसे ओपन करना है और स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोग के फ़ोन का सेटअप यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन पार्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसका सेटिंग को लेकर के। सेटिंग में आप लोग को सेटिंग तो चेंज मिल जाती है, सिस्टम की बात करेगा इस, तो यहाँ पर आप लोग को ओप्पो का डिवाइस यहाँ पे एबाउट फोन में मैं आप लोग को दिखा दूँ, इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, वर्ज़न नेम मॉडल नेम वगैरह वगैरह। एंड्रॉयड वर्ज़न पर मैं जैसे क्लिक करूँगा इस, तो यहाँ पर आप लोग को एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में काफ़ी बेहतरीन लगता है कि सर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में जो है ओरियो टाइप का पूरा लुक्स यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है गाइस। आप लोग के फ़ोन के सेटिंग वगैरह ओरियो वगैरह यहाँ देखने को दिखता नहीं, बट आप लोग के फ़ोन में जो है इस APK की मदद से आप लोग यहाँ पे इस टाइप की भी सेटअप को चेंज कर पाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस। और फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है, जो कि आप लोग के फ़ोन में सिर्फ फिंगरप्रिंट तो नहीं है, बट आप लोग को फिंगरप्रिंट टाइप का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने आप में ही। और इसे आप लोग अगर परमानेंटली सेट करना चाहते गाइस, तो आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करके डिफ़ॉल्ट होम को हटा के जो है इस APK को सेट कर लीजिएगा, आप लोग के फ़ोन में परमानेंटली वर्क करेगा। APK का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी डाउट हो कमेंट करना बोले, हम उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय माता दी।